दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितना भी कैंडिडेट CHSL का जो फॉर्म भरते हैं तो एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो आपको लिंक जो एक्टिव कर दिया गया है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, यानी एप्लीकेशन स्टेटस के माध्यम से आप चेक करेंगे कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ और एग्जाम आपको कब होने वाला है, किस डेट में होने वाला है, कौन सा सिटी में होने वाला है। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी इस तरह से अपडेट देखने के लिए, जैसा कि देख रहे हैं वेबसाइट खोले हुए हैं। ठीक है, ऐसे से CHSL का अप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले इसका वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पर देखिए उसका देखिए अबाउट अस में जाएंगे और यहाँ पर रीजनल नेटवर्क वाला में जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी स्टेट का अलग अलग यहाँ पर देखिए बताया गया है, अलग अलग यहाँ पर लिंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे सभी रीजन का, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, सभी जो है ना सभी रीजन का दिया गया है। आप किस रीजन का चेक करना चाहते हैं उसको उस पर क्लिक करके उस लिंक पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं कर्नाटका केरला के लिए। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका इधर से पेज खुलेगा। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्नाटका केरला रीजन का, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कम्बाइंड हाई सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 अप्लीकेशन स्टेटस का, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक की तो फिर से आपका इधर से पेज खुलेगा और यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर जो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलआउट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ फिलआउट करेंगे जो इस तरह से फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टिक आउट करेंगे, टिक आउट करने के बाद यहाँ पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, और यहाँ पर नाम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे रजिस्ट्रेशन में नहीं यहाँ पर जानकारी है, यहाँ पर देखेंगे तो नाम फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से एप्लीकेशन स्टेटस चेकआउट करेंगे। ये जो है कर्नाटका केरला रीजन का है, अगर आप अदर रीजन का चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका वेबसाइट पर चलेंगे। ठीक है, SSC का, और जिस उसके बाद देखिए यहाँ पर अबाउट अस में जाएंगे, रीजनल नेटवर्क में जाएंगे, सभी यहाँ पर रीजन का अलग अलग का सभी रीजन का दिया गया। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करेंगे किसको देखना चाहते हैं, पर देख लेते हैं सेंट्रल रीजन का। सेंट्रल रीजन में जैसा कि देख रहे हैं सेंट्रल रीजन का वेबसाइट खोल दिए, सेंट्रल रीजन में UP और बिहार आता है, तो यहाँ पर देखें अभी जो है वो जैसे लिंक होगा तब ऊपर में यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो बारी बारी से देख लेंगे आप किस रीजन का देखना चाहते हैं। ठीक है, सभी की रीजन का यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा और सभी रीजन का बारी बारी से लिंक जो है एक्टिव आपको किया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको चेकआउट करना है आपका एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट हुआ कीजिए।